दोस्तों क्या विराट कोहली ऑस्ट्रेलियन है? क्या विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया की ओर से खेलते हैं? क्या विराट कोहली को लोग ऑस्ट्रेलियन मानते हैं? अब आपको लग रहा होगा कि भाई साहब ये मैं कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं तो आपको क्लियर कर दूं कि ये मेरा कहना नहीं है बल्कि एक खिलाड़ी का कहना है, और वो खिलाड़ी कोई आम खिलाड़ी नहीं है। अभी के समय में वो वर्ल्ड क्रिकेट का एक बेहतरीन खिलाड़ी है, या यूं कहें तो टॉप खिलाड़ियों में से एक है। और उनका मानना है कि विराट कोहली एक ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है, और विराट कोहली ऑस्ट्रेलियन की तरह खेलते हैं, और विराट कोहली ऑस्ट्रेलियन ही है। आखिर कौन है वो खिलाड़ी जिसने विराट कोहली को लेकर ये बात कही है? तो मैं आपको बता दूं कि वो खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन है, और वो खिलाड़ी कोई और नहीं है बल्कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के सबसे शानदार बल्लेबाजों में से एक स्टीव स्मिथ। उनका मानना है कि विराट कोहली एक ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है, और विराट कोहली के अंदर एक ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी की आत्मा है, या यूं कहें तो विराट कोहली का माइंडसेट जो है वो पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलियन है। क्योंकि जिस तरह से वो फील्ड पर हमें नजर आते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ही फील्ड पर उस तरह से नजर आते हैं। स्टीव स्मिथ ने कहा कि विराट कोहली के बारे में हम जब भी सोचते हैं तो हमारे मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल आता है कि आखिर ये ऑस्ट्रेलियन क्यों नहीं है। मतलब इनके अंदर जितने भी गुण है, या फिर कहते जितने भी एबिलिटी है, जितने भी कैपेबिलिटी है, सब कुछ विराट कोहली के अंदर एक ऑस्ट्रेलियन का है। क्योंकि विराट कोहली जिस तरह से स्लेजिंग करते हैं, जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, जिस तरह से एग्रेशन दिखाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमें एक ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी में ही देखने को मिलता है। उनका मानना है कि विराट कोहली ने गलत जगह पे जन्म ले लिया। विराट कोहली को ऑस्ट्रेलिया में जन्म लेना था, और विराट कोहली को ऑस्ट्रेलिया की ओर से खेलना था। क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि विराट कोहली एक ऑस्ट्रेलियन होकर भारत की तरफ से खेल रहे हैं, क्योंकि विराट कोहली ने उस लेवल को सेट किया जो लेवल एक समय पर ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी के द्वारा सेट किया गया था। मतलब विराट कोहली ने उस लेवल को भी अब पार कर दिया है, और विराट कोहली के अग्रेशन के आगे ना तो हमें अग्रेशन दिखाने का मन करता है, और ना ही उनके अग्रेशन के सामने जाने का मन करता है। क्योंकि विराट कोहली जिस तरह से अपने टीम को लीड करते हैं, उससे एक बात तो क्लियर हो जाता है कि भाई साहब ये यहाँ पे खेलने के लिए नहीं आए बल्कि ये यहाँ पे जीतने के लिए आए। और इस तरह का मेंटेलिटी हमें सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी में ही देखने को मिला है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि विराट कोहली एक ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है, और विराट कोहली के अंदर एक ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है। अगर हम बात करें उनके कुछ रिसेंट इंसिडेंट की जहां पे हमें ये साफ देखने को मिला है कि विराट कोहली एक ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है, तो मैं आपको बता दूं कि विराट कोहली जब यहां पे एज अ कैप्टन आए थे तो हमें वहां पे साफ देखने को मिला था कि विराट कोहली के अंदर एक ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है। क्योंकि विराट कोहली ने जिस तरह से हमें हमारे ही घर पे स्लेज करके हमारे से ही सीरीज को लेकर गए थे, उससे तो ये बात क्लियर है कि इस तरह का जज्बा किसी आम खिलाड़ी में नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने भी 10-15 सालों से क्रिकेट खेला है, और मुझे इस तरह का इंसिडेंट बेहद ही कम नजर आया क्रिकेट के फील्ड पे, जहां पे कोई टीम आकर हमें डराकर और हमारे ही देश से ट्रॉफी लेकर चले जाए। लेकिन विराट कोहली ने ये काम कई बार किया है, और हमने विराट कोहली को कभी भी काउंटर करने की जरूरत भी नहीं करी, क्योंकि हमारे जो कोच है वो भी विराट कोहली के नाम से हमें काफी हद तक समझाते हुए नजर आए कि आप कभी भी विराट कोहली को सिलेक्ट नहीं कीजिएगा, और विराट कोहली जब भी आपको सिलेक्ट करे तो आप सरेंडर कर दीजिएगा, क्योंकि विराट कोहली को स्लेजिंग बहुत ही ज्यादा पसंद है, और वो जब अग्रेशन में आ जाते हैं तो उनके अंदर एक अलग ही लेवल का बल्लेबाज हमें देखने को मिलता है, जो कि ऑपोजिशन टीम को खड़े खड़े खा जाता है। इसलिए हमारे जो कोच है, या यूं कहें तो हमारे जो मैनेजमेंट है, वो हमेशा ही विराट कोहली को अवॉइड करने की बात करते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि विराट कोहली एक ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है, और वो ना सिर्फ ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है बल्कि उनके अंदर एक ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी की आत्मा है जो भारत में जाके भारत के लिए खेल रही है। बट अगर देखा जाए तो वो माइंड से ऑस्ट्रेलियन है, और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि विराट कोहली कहीं पे भी जाते हैं तो उनके अंदर जो माइंडसेट हमें देखने को मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी का ही माइंडसेट देखने को मिलता है। विराट कोहली का चाहे आप बल्लेबाजी देख लो, चाहे आप उनकी कैप्टनसी देख लो, या फिर आप उनकी फील्डिंग में एनर्जी देख लो, हर लेवल में आपको वो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी को मैच करते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर बात करें दूसरे खिलाड़ियों की जो कि भारत से खेलते हैं, तो मुझे दूसरा ऐसा कोई भी खिलाड़ी नहीं लगता है जिसके अंदर इस तरह की मेंटेलिटी हो कि वो दूसरे देश में जाकर उसी टीम को स्लेज करके और उसी टीम के नाक में दम करके वापस आ जाए। मतलब इस तरह की काबिलियत हमें सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली में ही देखने को मिलती है। दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि विराट कोहली के अंदर एक ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है? और अगर आपको ऐसा लगता है तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।